और जी नाउ ए गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्चार्ज ये आज की सीरीज की हमारी लास्ट टाइप है और मैंने ये डिस्चार्ज की यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं ठीक है बेसिकली डिस्चार्ज जो होता है टाइप्स का मैं नाम चेंज करके ना सिचुएशन पर तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा आप कह सकते वन टू थ्री एंड फोर दे आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज यू कैन सेज फार एज द सिंपल डिस्चार्ज इज कंसर्न

इसका नाम एक और नाम लिखने लगू ये मैं रेड में करने लगू सोदैट इमिनेंट रे अपडेट रेफर में हमने तीन उसकी सिचुएशंस की हैं, एक हमने की थी नॉर्मल एक हमने की थी अर्जेंट और एक हमने की थी अपडेट ठीक है जिसमें हमने देखा था कि पेशेंट जाता है जीपी के पास जीपी इसको भेज देता है स्पेशलिस्ट के पास और स्पेशलिस्ट जब वापस भेजते हैं और आपकी पोजीशन लेटर में एज ए स्पेशलिस्ट होती है तब आप लेटर जो लिखते हैं उसको अपडेट लेटर बोलते हैं उसी बात को जरा दोबारा लेके चलते हैं आई एम गोना नाट ड्रॉ टाइमलाइन, ठीक है पेशेंट प्रेजेंट हुआ जीपी के पास ठीक है कोई भी रीज़न हो सकता है और मे बी जी ने पेशेंट को हॉस्पिटल भेज दिया अर्जेंट केस था नॉर्मल केस था ये सेपरेट हो गया बात अब है।, तो है अब हॉस्पिटल ने एक्चुअली पेशेंट को डिस्चार्ज करना क्योंकि हॉस्पिटल इज नॉट अ प्लेस वेयर पेशेंट कैन गो एंड स्टे उसने अब जब हॉस्पिटल डिस्चार्ज करेगा और आप जरा रिकॉल करें हमने शुरू में क्या बात की थी कि आपका जो है हमेशा हैंड ओवर होता है अब ये मेडिकल हैंड ओवर है अ मेडिकल प्रोफेशनल आप अपना पेशेंट ऐसे वार्ड में छोड़ के नहीं आते हैं। जब आपकी ड्यूटी खत्म होती है आप किसी ना किसी डॉक्टर को बींगा डॉक्टर या किसी ना किसी नर्स को बीगा नर्स पेशेंट अपना हैंड ओवर दे के आते हैं जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉपरली आपका पेशेंट जो है वो ट्रांसफर हो गया या शिफ्ट हुआ फ्रॉम वन शिफ्ट शिफ्ट टू अनदर अब यहां से हॉस्पिटल सॉरी जीपी से जब यहां पर पेशेंट गया होगा तो वार्ड में या में जहां पर रिसीव हुआ है एक मेडिकल प्रोफेशनल ने दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल को हैंड दिया था ठीक है जैसे भी हमने रेफर ट्रांसफर में देखा अब हॉस्पिटल की वार्ड से पेशेंट डिस्चार्ज हो ईआर से पेशेंट डिस्चार्ज हो आई से, से पेशेंट डिस्चार्ज हो वहाँ पे कोई ना कोई तो मेडिकल टीम होगी जो ये डिसाइड करे कि आप पेशेंट घर जा सकता है मेक सेंस जब उन्होंने लेटर लिखना था तो वो किसको लेटर लिखे अब इस वाले लेटर को एक्चुअली इसको एड्रेस किया ठीक है और इस वाले लेटर को हम बोलते हैं अब इसको अगर आप रेफर के साथ मैच करें ना क्या हुआ था जीपी ने भेजा था स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट ने वापस भेज दिया था यहाँ पर जीपी ने पेशेंट हॉस्पिटल भेजा जब हॉस्पिटल वापस भेजते हैं अब उसमें क्योंकि पेशेंट एडमिट नहीं हुआ था इसलिए हम डिस्चार्ज का जिक्र भी नहीं करते हैं। इसमें क्योंकि पेशेंट एडमिट हो गया इसलिए इसके अंदर डिस्चार्ज का रेफरेंस आ जाता है अब इसी लेटर के बेसिकली दो नाम है इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं और इसी लेटर को हम अपडेट भी बोलते हैं अगर आपका स्नैरियो ऐसा पूरे केस में आपने देखा पेशेंट प्रेजेंट हुआ था और जीपी ने हॉस्पिटल भेजा अब हॉस्पिटल पेशेंट को रिलीज करने लगा तो उसमें ये अगर राइट अ लेटर टू तो पेशेंट्स जीपी राइट अ लेटर टू पेशेंट्स कम्युनिटी नर्स राइट अ लेटर टू कम्युनिटी सेंटर या पेशेंट्स लोकल डॉक्टर समथिंग लाइक दिस सिचुएशन क्या आ रही है वहाँ पर क्योंकि बता नहीं रहे सर जी स्पेलिंग नहीं सही लिखी हुई है कौन सही हो गए अच्छा तो सर समझ आया अभी शॉर्ट फॉर्म आ गया रही राइट सो so, यहाँ से डेफिनेटली होगा ठीक है इसको भी लेकर ना अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है अब डिस्चार्ज का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्सेप्चुअल वे में वो भी एक्चुअली परमानेंट शिफ्ट ही है हम डिस्चार्ज कब करते हैं पेशेंट को हम पेशेंट को डिस्चार्ज तब करते हैं जब पेशेंट रिकवरी स्टेट में होता है या रिकवर हो चुका होता है हॉस्पिटल तभी डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट इस कंडीशन में होता है अब पेशेंट को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है पेशेंट घर जाके या तो खुद या कोई भी उसको छोटी मोटी दवाई जो उसकी रूटीन में वो लेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा सिर्फ उसने फॉलोअप देने होते हैं ठीक है ना सो तो बेसिकली अब यहाँ पे होता है अब ये नहीं है कि पेशेंट जीपी के पास आके रहना शुरू हो जाएगा कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपने आपका जो जी, जी जीपी है ये क्लिनिक पे काम करता है और क्लिनिक बेसिकली ओपीडी है जो कि लोकल ओपीडी है एरिया वाइज आमतौर पर ओ की एक सेटिंग होती है और सेटिंग ओ की यही है कि हम इसमें एक टाइम ले लेते हैं एट टू फाइव टाइम है कर लेते हैं। अब आठ बजे ओपीडी खुली है 5 बजे बंद हो गई है तो उसके बाद तो उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं है क्योंकि वो तो है अब इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली पेशेंट रियल में चला जाता है अपने प्राइवेट होम जो पेशेंट का अपना घर होता है सेंस में कोई और पेशेंट का जो वर्चुअल हैंडओवर है वो उसके जीपी को दिया जाता ये एक्चुअली वर्चुअल ये मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि फिजिकली पेशेंट को किसी को देख के आते तुम अब इस वार्ड के जिम्मेदार हो एंड यू आर गोइंग टू टेक पेशेंट वेरी गुड फिजिकली पर्सन ये बस एक चीज समझनी होती है तो जब आप इसको समझते तो काम वही हो रहा है सारा सिंपली तो कह लें पेशेंट की फाइल जो है जो उसका लेटर है वो जीपी को चला जाता है पेशेंट अपने घर चला जाता है इसलिए बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है कि यार ये पेशेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं या हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं क्या पेशेंट जीपी के पास आ के रहना शुरू करेगा ऐसा नहीं है ना ही एडमिट हो रहे हैं क्लिनिक इज नॉट गोइंग टू एडमिट द पेशेंट पेशेंट इज गोइंग टू गो होम यहाँ तक मेरे साथ है अब यहां पर सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लेते हैं ठीक है चीज़ सिर्फ ये कि एज पर द सिचुएशन जो हमें लेटर्स के अंदर आती है पेशेंट हर दफा प्राइवेट होम से नहीं आता ठीक है ये याद रखने में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ ये प्राइवेट होम पेशेंट कई दफा नर्सिंग होम से आया होता नर्सिंग होम ओल्ड होम ये सब एक ही जगह का नाम है बॉयटी के पेपर में इन सब का एक ही कांसेप्ट है ठीक है ये ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर पेशेंट ट्वेंटी फोर सेवन रहता भी है उसकी देखभाल भी हो रही है प्लस एक्चुअली यही उसका घर है अब अगर यहाँ पर पेशेंट सिक हो जाता है तो डेफिनेटली ये भी तो पेशेंट को हॉस्पिटल ही भेजेंगे ना तो क्या हुआ इसी सुनहरी पर आती है पेशेंट जो अपने घर से है नर्सिंग होम से कहीं से भी है कई बार नर्सिंग होम के अपने जीपीज होते हैं और कई बार जिस एरिया में नर्सिंग होम होता है उसी एरिया के जीपी के साथ वो सारे पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं ये सिंपल वे जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार को रिलेटिव को लेके जाते डॉक्टर के पास नर्सिंग होम वाले उस पेशेंट को ले जाते उस डॉक्टर के पास तो डॉक्टर अगर खुद ट्रीट कर सकता है तो साइकिल वहीं पर रिपीट हो जाता है अगर नहीं ट्रीट करता तो वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा हॉस्पिटल वाले डेफिनेटली पेशेंट को जब रिलीज करेंगे वो अपने घर ही जाएगा ना अपने घर या जो भी इसके इस वक्त घर है मेक सेंस वो इधर आ जाएगा फाइल उसकी चली जाएगी उधर डिफेंश कैसे करना है ये वाला केस है कि के ये वाला केस है केस नोट्स के अंदर पेशेंट की सोशल डिटेल्स लिखी होती है ठीक है सोशल डिटेल्स के अंदर आपने हमेशा जाके देखना के कि पेशेंट का एड्रेस क्या मैंने ठीक है एड्रेस आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट यहां से आया था और यहीं वापस जा रहा है केस नोट्स के अंदर लिखा होता है आप अभी जब मैंने इसमें भी नर्सिंग होम आता है तो यू नीड टू डिफरेंशिएट ये कौन सा नर्सिंग होम है और ये वाला कौन सा है क्योंकि देखिए मैंने कहा है कि डिफरेंट सिचुएशन है ठीक है तो जो भी अपडेट यहाँ आपको लगता है ना कि पेशेंट बैक हो रहे हैं उसमें हंड्रेड परसेंट पेशेंट उसी नर्सिंग होम से आया होता है तो आपने जब भी डिस्चार्ज का लेटर करना है और उसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट नर्सिंग होम जा रहे हैं अगर तो प्राइवेट होम जा रहे हैं फिर तो वो कहेगा जी लेटर जीपी को लिख दे को लिख दें अगर मैं लेटर नर्सिंग होम को लिख रहा हूँ और वो डिस्चार्ज लेटर है तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है किन में से इसमें से या इसमें से वी हैव टू मेक श्योर कि कौन सा लेटर है क्योंकि इसमें डाटा सिलेक्शन डिफरेंट हो जाएगी और इसमें डाटा सिलेक्शन डिफरेंट हो जाएगी अगर तो ये अपडेट लेटर है जैसे हमने लिखा था ना अपने रेफर अपडेट को ये उसमें पास्ट और सोशल डिटेल्स माइनस हो जाती हैं सिर्फ करंट डिटेल आती है फिर वो वाला डाटा आपका सिलेक्ट होता है और हम पास्ट और सोशल सिर्फ तब ऐड करते अगर वो एब्सोल्यूट नेसेसरी और हाईलाइट करना हो अदरवाइज नहीं लिखेंगे मगर अगर वो पहली दफ़ा नर्सिंग होम जा रहा है तो फिर डाटा चेंज हो जाएगा क्योंकि सिचुएशन चेंज है सो माई डियर फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज मेक श्योर कि ये वाला अपडेट केस नोट्स में जाके कर आपने देखने के पेशेंट का सोशल एड्रेस कहाँ से मीन्स जब पेशेंट हॉस्पिटल गया था तो वो आया कहाँ से था प्राइवेट होम से आया था लिखा होता है पेशेंट लिव्स अलोन लिव्स अलोन है तो फिर नर्सिंग होम नहीं हो सकता यहाँ तो उन्होंने नर्सिंग होम लिखा होता है ओल्ड होम या रिटायरमेंट होम और राइटिंग टास्क में आपने देखना है कि लेटर इसको एड्रेस हो रहा है अगर तो ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है फिर तो ये अपडेट लेटर हो ये इसके निशान में बाकी इस अपडेट को वैसे ही लिखना है जैसे रेफर वाले अपडेट को लिखते सेम स्नैरियो डिस्चार्ज में कभी भी अर्जेंट केस नहीं आते आपने याद रखना जितने भी डिस्चार्ज की सिचुएशन है इन सब में आपका एस बार ही लगेगा एस बी ए आर और यह अपडेट बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपने रेफर का लिखा अब हम जरा अपडेट को कवर कर लेते हैं आपके दो तरह के अपडेट आते हैं एक आपका रेफर का अपडेट है एक आपका डिस्चार्ज का अपडेट है दोनों को लिखने का तरीका कार सेम है दोनों में नॉर्मल एस बार यूज होता है नॉट दीज आर द यू नीड टू सेट इन योर माइंड आपको अगर एग्जाम में अपडेट आ गया है तो पहले देखेंगे एडमिट हुआ था कि नॉन एडमिट है आउट ही पेशेंट है कि इन भी है अब ये इन को आउट करने लगे हैं और रेफर वाले में आउट पेशेंट ही है उसमें तो इन हुआ ही नहीं था कहीं पर मेकिंग सेंस मगर बाकी क्राइटेरिया में अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इसकी सिचुएशन लिखेंगे तो इसमें जो करंट की हिस्ट्री ना वो जरा थोड़ी सी चेंज हो जाती है चेंज कैसे होती है वो तो भी मैं आपको बताता हूँ पहले मुझे बस ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या सिचुएशन बन रही है गुड yes. पूछे पूछे बताएं इसको भी मैंने दोबारा बताना है। आप सिर्फ अभी इस ठीक है इसको हम डिस्चार्ज भी कहते हैं अपडेट भी कहते हैं सिंपल स्नरी है जीपी ने पेशेंट को हॉस्पिटल भेजा होगा पेशेंट इज़ नॉट गोइंग बैक ठीक है अगर तो अपने प्राइवेट होम से आया तो उसमें हमेशा लिखा तो राइट अ लेटर टू तो जीपी राइट अ लेटर टू तो कम्युनिटी नर्स या राइट लेटर टू तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ठीक है क्योंकि फाइल वहां जाती है पेशेंट अपने घर चला जाता है ठीक है अगर पेशेंट आ रहा है ना नर्सिंग होम से और आपके केस में आ जाता है कि जी राइट अ लेटर टू तो नर्सिंग होम यू हैव टू मेक श्योर के वो यही वाला लेटर है अभी मैं जब ये कवर करूंगा ना आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अभी सिर्फ इस पे है अब हम इसको कन्फर्म करने कैसे कन्फर्म करेंगे पेशेंट की सोशल डिटेल्स के अंदर लाइक जो उसकी सारी हमें केस हिस्ट्री इस दी है लेटर के शुरू में हमेशा पेशेंट का बायोडाटा आता है जिसमें इसकी नाम एज एड्रेस ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं ठीक है वहाँ से जाके आपने देखना है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ये कौन सा एड्रेस है ताकि आपको पता लगे कि आया कहाँ से ठीक है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस पेशेंट लेके आती है कि आपके लिए जानना जरूरी नहीं कि रोड एक्सीडेंट का केस है कि पेशेंट घर से एंबुलेंस पेशेंट को उठा के लेके आई है या पेशेंट को किसी हॉस्पिटल से लेके आए हैं डेफिनेटली वो नोट्स में लिखा होता है कि ये आया कहाँ से या पेशेंट मेक सेंस तो डेफिनेटली वो केस नोट्स में जाएगा कि ये जब हॉस्पिटल एडमिट हो तो आया कहां से था ओके हो गया ये वो वाला एड्रेस है अब जब आप पेशेंट को रिलीज कर रहे हैं तो आप भी तो पेशेंट को कहीं भेजना आपके ओ के लेटर्स में हमेशा आता है क्योंकि फिक्स स्ट्रक्चर लिखना होता है तो उसमें हमेशा आता है कि पेशेंट कहाँ जा रहा है कौन इसको अटेंड करेगा तो जो अटेंड करेगा उसका नाम उसकी मेडिकल डेजिग्नेशन आती है कि तो उसका टाइटल क्या है और उसका एड्रेस लिखा होता है अब अगर आपको आ गया जी राइट अ लेटर टू सो एंड सो पर्सन एंड पेशेंट इज गोइंग टू नर्सिंग होम रिटायरमेंट होम मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये आया भी वहीं से था अगर ये वहीं से आया था और वहीं जा रहा है देन इट इज सिंपल अपडेट या सिंपल डिस्चार्ज दैट्स द सेंस गुड इसका मैं एस बार पहले बताऊंगा कि इसमें एस बार कैसे निकालना है फिर हम इसके ऊपर चले जाएंगे बार की बात करने लगे थे सिंपल सा फॉर्मूला बताने लगा आपकी डिस्चार्ज की ना जिंदगी आसान हो जाएगी अभी मैं इसके डिटेल नहीं बताऊंगा इट्स वेरी सिंपल सिर्फ आपको ये क्लियर करना है मैंने और ये क्लियर करना है तो एस बार के अंदर डिस्चार्ज में एस बार कैसे लगता है इसकी वही तीन चीजें हैं आपकी करेंट मैं आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हिस्ट्री आपकी पास्ट हिस्ट्री और आपकी सोशल डिटेल्स ये आपका लास्ट चेक गुड डिस्चार्ज लेटर कोई सा भी आ जाए कोई सा भी एनी लेटर ठीक है ना ये हॉस्पिटल लिख रहे हैं आप हॉस्पिटल नर्स या हॉस्पिटल डॉक्टर हैं ठीक है आपके पास रिकॉर्ड कब बनना शुरू होगा पेशेंट का जब वो एडमिट होगा इससे पहले तो आप उसको जानते तक नहीं है पेशेंट को एडमिशन हो गया आप चाहे शिफ्ट पे कोई भी है उस पेशेंट का रिकॉर्ड बनता जा रहा है नोट्स चलते जा रहे हैं फाइल बनती जा रही है और जब उसको एंड पे डिस्चार्ज करना डेफिनेटली सारे नोट्स कंपाइल किया जाता है मेक सेंस इसका मतलब है कि एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक जो उसकी डेट अवेलेबल होती है जिस दिन पेशेंट अब घर चला जाएगा इसके दरमियान जितनी स्टोरी है वो बायफॉल्टी करंट हिस्ट्री अब वो एक दिन की भी हो सकती है एक हफ्ते की भी हो सकती है एक महीने की भी हो सकती है और अगर शॉर्ट स्टे तो एक घंटे की भी हो सकती है यार पेशन आते कई बार घंटे में सेटल होके चले जाते हैं ठीक है इसका मतलब रेफर सिंपल आता है अर्जेंट और नॉर्मल या जो भी है और ट्रांसफर जो आता है जो नॉर्मल या अर्जेंट जो भी है उनमें करेंट हिस्ट्री और तरह की है उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती हैं पेशेंट के कई विजिट्स होते हैं और फिर जाके उसकी एक हिस्ट्री बनती है इसके अंदर एडमिशन और डिस्चार्ज के अंदर गुड कई बार आपके लॉन्ग स्टे के पेशेंट आ जाते हैं केस बिगड़ गया पेशेंट की एलिमेंट ऐसी है पेशेंट तीन महीने चार महीने पाँच महीने से हॉस्पिटल में ही ठीक है, है? इससे भी ज़्यादा कई बार लॉन्ग स्टे आ जाते हैं तो वो जितनी देर तक आप उसको आगे कहीं भेजेंगे नहीं तो वो आपकी करंट हिस्ट्री रहेगी क्योंकि वो हॉस्पिटल का so तो शुरू करेंगे तो करंट हिस्ट्री के अंदर वेरी सिंपल एडमिशन से पहले जो डिटेल है वो है। तो, तो हॉस्पिटल को बताएंगे ना आप अगर पेशेंट आया ही एक दिन के लिए तो एक दिन की करंट हिस्ट्री है बाकी पास्ट ही है गुड यहाँ तक मेरे साथ है डन हो गया अब फिर एक्यूटर क्रॉनिक पे जाने लगे हैं पेशेंट आमतौर पर पे हॉस्पिटल में कब एडमिट होता है जब उसको कोई ना कोई एक्यूट इश्यू होता है ठीक है अगेन हाई ब्लड प्रेशर की डायबिटीज की एग्जांपल ले लेते हैं एक पेशेंट है उसको डायबिटीज है कई सालों से चल रहा है अगर पेशेंट वेल मैनेज्ड है तो हो सकता है उसको आना ही ना पड़े फॉर लाइफ ना आना पड़े हॉस्पिटल डाइट कंट्रोल कर रहा है दवाइयाँ टाइम पे कर रहा है तो सारा काम सही चलता रहता है अगर उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाए कई बार इतनी अनकंट्रोल्ड होती है कि पेशेंट हाइपो वगैरह में भी चला जाता है फिर क्या करते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल ले आते हैं तो क्या हो गया क्रॉनिक इशू तो है मगर अभी एक्यूट प्रॉब्लम में है वो दैट्स वे एक्यूट एंड क्रॉनिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जितने भी डिस्चार्ज के केसेज है वो बाई एक्यूट होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल तभी आएगा कि अभी क्या होगा पेशेंट को अभी क्या चल रहा था तभी तो हम उसको हॉस्पिटल लेके ट्रीटमेंट करने के लिए जो तो डिफॉल्ट एक्यूट पे होगा इसलिए जो भी डिपार्टमेंट वार्ड में रहेगा वो उसी डिपार्टमेंट की रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट मिल रहा होगा क्योंकि हॉस्पिटल सारे डिपार्टमेंट एग्रीगेटेड हैं आपके इसलिए वो करंट हिस्ट्री होती है क्योंकि उसी को ट्रीट किया है हाँ जी मेरा ख्याल है गलत समझ आ रही है ठीक है अब ये होगी एक्यूट और पास्ट जो है फॉर्मूला वही है जो हमने रेफर और ट्रांसफर में याद किया था रिलेटेड डालने ठीक है अब अगर आप सिंपल डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसमें तो पास्ट और सोशल वैसी उड़ जाएगी ठीक है ना और अगर अगर हम फर्दर टाइप्स की बात करेंगे तो जो मैंने एक्यूट प्रॉब्लम डील किया है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना मैं फिर अगले को बताऊंगा ना ये बताऊंगा यार अभी मैंने ये सॉर्ट आउट किया पेशेंट की इसी प्रॉब्लम को लेकर पहले भी एडमिशन हुए हैं ये पे ऐसा पेशेंट है कि हर तीन महीने बाद डायबिटीज या हाइपोटेशन अनकंट्रोल के साथ एडमिट हो जाता है ध्यान नहीं रखता दवाई नहीं खाता इस तरह के कुछ इश्यूज है गुड पेशेंट का एक हिस्ट्री बना होता है क्योंकि जब आप पेशेंट को रिलीज करते हैं ना तो जिसको भी पेशेंट हैंड ओवर कर रहे हैं ये उसको एक्चुअली बताने की कोशिश होती है कि यार मैनेज uh, करो क्योंकि तो देखिए आपका एंड ऑफ द डे ये कि पेशेंट बीमार ना हो क्या ख्याल है आपकी कोशिश थी कि पेशेंट के फॉलोअप्स प्रॉपर हों प्रॉपर मैनेजमेंट मिले ये बीमार ना हो हाँ कुछ तो चांसेस होते हैं वो अपनी जगह पे मेकिंग सेंस ठीक है, है। सिर्फ असेसमेंट को अंडरस्टैंड करना है ये भी लोग अक्सर मिक्स करते हैं मैं एक टाइमलाइन एक छोटी सी डिस्चार्ज की इसमें भी अक्सर लोग ना थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं ये एक बार समझ लें सारे लेटर्स पैसे भी अप्लाई होने है एक ही दिन की एग्जाम्पल लूंगा आपको समझ आ जाएगा आमतौर पर हमारे यहाँ पे आठ बजे ड्यूटी शुरू होती है और मॉर्निंग ड्यूटी है दो बजे खत्म हो जाती है ठीक है ये हम कर लेते हैं एट ओ इन द मॉर्निंग और ये हम ले लेते हैं टू ओ क्लाक इन द आफ्टरनून ठीक है एज्यूम करते हैं कि आज ही एडमिट हुआ और आज ही हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया जब एक ही इंस्टेंट आ जाता है ना तो करंट हिस्ट्री भी उसी में ही है और असेसमेंट भी उसी में ही होगी दैट्स द प्रॉब्लम अगर पेशेंट चार दिन पहले एडमिट हुआ और आज मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो आज की डिटेल मैं डाल दूंगा असेसमेंट में और पिछले तीन दिन की डिटेल चलेगी करंट में फिर तो मसला सॉल्व हो गया मसला आता है कि आज ही एडमिट हुआ आज ही मैंने डिस्चार्ज कर दिया तो मैं असेसमेंट कहाँ से निकालूंगा आप कहेंगे करंट किधर की और असेसमेंट की तो मसला हो गया इसलिए वो वाला केस देखने लगे केस ऐसा आ जाए तो कोई इशू नहीं है आठ बजे पेशेंट आया फॉर एग्जाम्पल आपने शिफ्ट का चार्ज लिया आपने आठ बजे जाके चेक किया एक बार आपने सारा राउंड किया अपने वार्ड का पेशेंट्स को जाके देखा ठीक है में भी आपने दस बजे फिर मेडिसिन भी की हूँ एक बार सारी वार्ड की मेडिसिन कर देंगे फिर आपने जाना है ठीक है अब आप जितनी बार पेशेंट के बेड के ऊपर जाते हैं या बेड साइड पर जाते हैं आप नोट्स डालते हैं कुछ भी इंटरवेंशन किया तो लिखना पड़ता है किसने चेक किया क्या दिया क्या नहीं किया बकायदा साइन होते हैं टाइम से जाता है गुड आठ बजे हुआ दस बजे हुआ बारह बजे भी चलो कर लेना बड़ी अच्छी नर्स है बार बार जा रही है दो बजे पेशेंट ने डिस्चार्ज कर देते शिफ्ट चेंज होनी थी इससे पहले कि शिफ्ट चेंज होती मॉर्निंग डॉक्टर ने साइन ऑफ कर दिया कि वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज द पेशेंट मेक सेंस? ठीक है? अब इसमें मुझे बताएं लास्ट चेक कब हुआ है? दो बजे इस पॉइंट पे आके हमने सोचा ना डिस्चार्ज करना हम

एक पैंतालीस पी इसके बाद चेक ही नहीं किया किसी ने पेशेंट को तो लास्ट चेक का वही असेसमेंट होगा ना फॉमूला को सिर्फ फॉलो करना है ठीक है ना इसी तरह का डाटा आता है तो डाटा आराम से आपका डिवाइड हो जाता है लास्ट चेकअप देखें ना अगर पेशेंट विजिट है तो लास्ट विजिट होता है रेफर और ट्रांसफर के अंदर और अगर पेशेंट एडमिटेड है तो उसका लास्ट चेक होता है अब अगर मैं आपको हिस्ट्री दे देता दे हूँ ये फॉर एग्जाम्पल ये आज छब्बीस से मेरा ख्याल है एक हम पच्चीस की ले लेते हैं एक हम 24 के ले लेते हैं अगर 24 को एडमिशन हुआ है पेशेंट का और मैंने 26 को पेशेंट को डिस्चार्ज किया ठीक है तो होता है क्या है फिर उसमें इतनी लंबी असेसमेंट नहीं देते वो उस लेटर में आमतौर पर लिखा होता है कि छब्बीस को डॉक्टर ने चेक किया और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया उसमें टाइम नहीं लिखा होता कितने बजे चेक किया उसमें लिखा होता है कि आज पेशेंट डिस्चार्ज है ठीक है रेडी फॉर डिस्चार्ज ऑबियस इसमें चेक्स लिखे होते हैं कि मैंने चेक किया पेशेंट ओके ऑबियस डॉक्टर साइन ऑफ करेगा तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे डॉक्टर ही साइन ऑफ करेगा तो पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे आप एक सेंस अब अगर मैंने इसका डाटा निकालना है तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि इस दिन आखिरी चेक हुआ है ये मेरी असेसमेंट है और ये मेरी करंट हिस्ट्री है एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज के दरम्यान प्रॉब्लम आता मतलब है जब एक ही दिन का रिकॉर्ड आ जाता है उसकी मैंने आपको टाइमलाइन दी थी उसमें टाइम स्टेम्स गिवन होते तो यू हैव टू टू जस्ट रीड अकॉर्डिंग द टाइम ठीक है सो so, इससे जिंदगी काफ़ी आसान हो जाती है बस है कि आपको अप्लाई करना आता हो कि किस लेटर में अप्लाई कैसे करना है ठीक हो गया यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो गुड अपडेट की मेरे ख्याल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी जरा बाकी के पहले मैं ये ट्रांसफर कवर करूंगा ताकि आपको ये ना नर्सिंग होम वाला भी क्लियर हो जाए पेशेंट अपने प्राइवेट होम से आया आई एम आई एम मेक श्योर के दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज पी एच इज़ प्राइवेट होम ठीक है अपनी जिसकी ओन प्रॉपर्टी है एंड पेशेंट मे बी जी पी के पास गया हो कुछ भी है अभी हम इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं ठीक है पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल जो है अब पेशेंट को डिस्चार्ज करने लगा ठीक है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक जब उन्होंने पेशेंट रिसीव किया था पेशेंट अपने घर से आया था लेके कोई भी आया किस तरह है अब चैप्टर नहीं है आया कहाँ से है ठीक है नोट्स में लिखा होगा हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द प्रॉपर फॉलोअप एंड प्रॉपर लाइक केयर ऑफ द पेशेंट हॉस्पिटल डिसाइड करता है कि यार मैं पेशेंट को घर नहीं भेज सकता ठीक है एक सिचुएशन पर चलते हैं आप मुझे बताएं हम जरा गवर्नमेंट सेटअप की बात करते हैं प्राइवेट की नहीं गवर्नमेंट सेटअप में आमतौर पर रिक्वायरमेंट क्या होती है बेड वेकेंट करें जितनी जल्दी हो सकते है। क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है आ, एक हॉस्पिटल है तो नंबर ज़्यादा है आपने ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करना होता है तो ये हर वक्त मेरे ख्याल ये रेस लगी रहती है बेड वेकेंट चाहिए बेड वेकेंट चाहिए इससे आप जितनी जल्दी हो सकता है बेड वेकेंट करते हैं आप ज़्यादा देर तक पेशेंट को नहीं रखते अग्री आपको जितने केसेज आते हैं ना सारे ये एन के एस के केसेज़ हैं जो उनका नेशनल हेल्थ सेटअप है गवर्नमेंट सेटअप ही है गवर्नमेंट को कॉस्ट बेयर होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सर्विस फ्री है वो लगता है गल है कितनी फ्री है कितनी नहीं है सर्विस तो फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चार्जेस बहुत कम हैं क्या हो गया सो so, हॉस्पिटल को हर वक्त एक चैलेंज पेश है इसको डिस्चार्ज करें अब हॉस्पिटल ने या डॉक्टर्स और नर्सिस ने बड़ी मेहनत करके क्रिटिकल पेशेंट को मौत के मुंह से निकाल के दोबारा जिंदगी में ले आए हैं उनका दिल करेगा कि चार दिन बाद फिर हमारे पास आके एडमिट हो जाए आपको तो इंटरनली तौर पर गुस्सा चढ़ेगा यार इतनी मेहनत करके इस पेशेंट को सेव किया था तो इसका क्यों नहीं प्रॉपर फॉलोअप आप हुआ हो? आपको होगा कि ना इसको प्रॉपर फॉलोअप हो हॉस्पिटल इस चीज़ को इंश्योर जब करता है ना कई बार हॉस्पिटल पेशेंट को रिटर्न नहीं करता ठीक है वो कई बार पेशेंट को ट्रांसफर कर देता डिस्चार्ज के साथ ही ट्रांसफर कर देता अब डिस्चार्ज का मतलब है कि हॉस्पिटल डिसाइड करता है कि मेरा काम खत्म हो गया मैं जितना कर सकता था ना पेशेंट को मैं रिकवरी स्टेट में ले आया हूँ अब इससे ज्यादा रिकवरी हो सकती है मगर घर पे भी हो सकती है यहां पे रहने की जरूरत है मुझे जगह खाली करनी so yeah, है ठीक है आ, आ, exactly. अब हम अब हम भेजेंगे पेशेंट को बड़ा मसला हो गया हमारे लिए ठीक ठीक है है। ना? इस तरह के लेटर में लिखा होता है राइट अ लेटर टू सारा शॉर्ट फॉर्म है राइट लेटर टू नर्सिंग होम या ओल्ड होम या को को भी रह को भी रहने दे नर्सिंग होम ओल्ड होम या अभी रीहे को नहीं लाना आपने अब देखिए राइटर ले तो नर्सिंग होम आ गया जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था अब आप जब लेटर देखेंगे क्वेश्चन में लिखे है जी राइटर लेटर टू तो नर्सिंग होम फॉर एग्जांपल आप पेशेंट की डिटेल्स चेक करते वो तो अपने घर से आया था इसके अंदर कि पेशेंट वापस नहीं जा रहा फिर अब यह लेटर तो ना आ रहा क्योंकि अगर ये लेटर होता है तो उसके जीपी को लेटर लिखते हो मैं तो किसी नए बंदे को लेटर लिख रहा हूँ वो तो पेशेंट को जानते ही नहीं है पेशेंट फर्स्ट टाइम उस नर्सिंग होम में जा रहा है दिकुण? मैंने आपको एक लेटर दिया था मार्जरी मेलर्स का वो डिस्चार्ज ट्रांसफर लेटर है उसके अंदर केस ऐसा ही है, है। पेशेंट आया घर से आया हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ है कोई फ्रैक्चर था उसने ट्रीट किया है मगर वो पेशेंट को नर्सिंग होम भेज देते हैं इधर रुके हैं ठीक है ना जब खाली होता है ना डिस्चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर की हमने भी डेफिनेशन एक सीखी जिसका मतलब होता है परमानेंट हॉस्पिटल से जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज का मतलब भी परमानेंट ही होता है जब आप डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट जो है घर चला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की रात को तबीयत खराब होती है तो आप क्या डायरेक्टली उसी वार्ड में लेते हैं पेशेंट वो दोबारा पूरा सर्कल रन होता है वो दोबारा ईआर में आएगा दोबारा एक नया एडमिशन होगा हिस्ट्री अब साथ चलेगी जो सुबह डिस्चार्ज रहा वो हिस्ट्री में आ जाएगा अब एक नया एडमिशन बन जाएगा आज आके हो सकता है वो उसी वार्ड में उसी बेड पे भी लैंड कर जाए बट न्यू एडमिशन के तौर पे आएगा मेक सेंस इसका मतलब कि जब आप किसी का डिस्चार्ज बना देते हैं ना इसका ना कि परमानेंट हो गया वो आपने एक तरह फाइल क्लोज कर दी है उसकी मेक सेंस ये इसके से कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल कह रहे हैं जी माई जॉब इज डन और वह कह रहे हैं कि ये पेशेंट हमेशा के लिए एक नर्सिंग होम ले दें इसका मतलब होता है पेशेंट इज गोइंग फॉर एवर अब वो पेशेंट अपने घर नहीं आएगा वो नर्सिंग होम में रहेगा ऑब्वियसली हॉस्पिटल कोई जबरदस्ती नहीं करता कोई सजा नहीं होगी पेशेंट नो इसमें एक कंसेंट्स होते हैं म्यूचुअल कंसेंट्स होते हैं किसका कंसेंट होता है पेशेंट का फैमिली का एफ ए एम आई एक बड़ा सिंपल सा स्नैरी जैसे आजकल के दौर में भी हमारे यहाँ पे हर बंदा काम कर रहा है घर का उससे भाई ठीक है अगर हर बंदा काम करता है और पेशेंट एक ऐसी कंडीशन में है कि पेशेंट को ट्वेंटी फोर सेवन चाहिए अब घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट नर्स हायर कर लें हॉस्पिटल कहते हैं जी मेरा काम खत्म हो गया मैंने पेशेंट को घर भेजना है पेशेंट लें अपना वापस और हॉस्पिटल को ये भी पता है कि पेशेंट घर नहीं रह सकते उसको कुछ चाहिए बंदा दवाई ना देनी हो एडीएली कराना है उसको कुछ खाना खिलाए इसको कोई वॉशरूम ले जाए इसके कोई कपड़े चेंज कर दे पेशेंट से कोई बात करे पेशेंट को किसी टाइम किसी चीज़ की भी जरूरत हो सकती वी नीड समबडी जस्ट टू बी विद द पेशेंट कोई टेक्निकल केयर नहीं करनी है एडियल्स करने हैं बेसिकली ठीक है अब क्या करें घर भेज नहीं सकते फैमिली का कोई बंदा है नहीं है कई बार पेशेंट अकेला ही होता है हॉस्पिटल रख नहीं सकता देन कम्स द कम ऑफ फिर हॉस्पिटल डिसाइड्स हमेशा के लिए